हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग इंजीनियरिंग की तरफ से वेरियस पोजीशंस पर वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर लगभग सभी ब्रांचों के लिए वैकेंसी है। अगर हम बात करें आपकी एलिजिबल ब्रांचों की, यहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स एलिजिबल रहेंगे। आपकी डायरेक्ट भर्ती है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, ना तो यहाँ पर कोई आपकी एग्जामिनेशन फीस लगेगी। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और क्या बताया गया है इनके ऑफिशियल नोटिस में, उसमें आगे जाने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक और यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा जॉब्स अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी लेटेस्ट जॉब का अपडेट आपसे मिस ना हो। और आप प्रीमियम टाइप जॉब्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप आरआरबी जेई, एसएससी जेई, झारखंड जेई या फिर बिहार जेई जैसे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप डिप्लोमा होल्डर्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर। नोटिस आपका सैमसंग इंजीनियरिंग की तरफ से निकाला गया है। यहाँ पर डिज़ाइन इंजीनियर्स पोस्ट के लिए वैकेंसी रहेगी और बेसिकली यहाँ पर आपका डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है हैदराबाद और नोएडा में। तो जो भी कैंडिडेट इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, आप इनके वेन्यू पर जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। बात करें आपकी डिसिप्लिन के बारे में, तो प्रोसेस में यहाँ पर SP, PID एडमिन, DHAC, फायर फाइटिंग एंड टावर डिज़ाइंस के लिए वैकेंसी है। मैकेनिकल में रोटेटिंग एंड स्टेटिक के लिए वैकेंसी है। पाइपिंग में लेआउट, स्ट्रेस एंड मटेरियल के लिए वैकेंसी है। सिविल, स्ट्रक्चरल और आर्किटेक्चर्स के लिए वैकेंसी है। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपना अपडेटेड सीवी लेना है, उसके साथ में आपके जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं वो आपको लेने हैं और आपको पहुंच जाना है इनके ऑफिशियल एड्रेस पर। ये इंटरव्यू आपका होगा शनिवार के दिन 18 मार्च को सुबह 9:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। यहाँ पर आप लोग वेन्यू देख सकते हैं। बात करें आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, अगर आपने फुल टाइम में BBTEC किया है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, और मिनिमम आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है किसी भी ऑयल एंड गैस रिफाइनरी या फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का, आप यहां पर बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे। पहला इंटरव्यू है आपका हैदराबाद में और दूसरा इंटरव्यू है आपका नोएडा, उत्तर प्रदेश में। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपना अपडेटेड सीवी लेना है, उसके साथ में आपके जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं उन सबको आपको लेना है, बाकी आपके जो भी सैलरी स्लिप हैं, पासबुक हैं, जो भी आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं सारे वो आपको लेने हैं और आपको पहुंच जाना है इनके ऑफिशियल एड्रेस पर। ये इंटरव्यू आपका होगा शनिवार को 25 मार्च में सुबह 9:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। जिन भी दोस्तों ने BBTEC किया है इन ब्रांचों में, अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, आप इनकी नियरेस्ट लोकेशन में आते हैं, आप ये वॉक इन इंटरव्यू ज़रूर दीजिए। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये रहती है कि इनके पास काम काफ़ी ज़्यादा रहता है, आप एक हिसाब से समझ सकते हैं कि आपकी परमानेंट जॉब रहेगी। और सैलरी भी ये लोग काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ यहाँ पर आपको अलाउंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं।